आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और चल के देखते हैं कि ये सब हम किस तरह से करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं एड न्यू प्लगइन के ऊपर। हमारे जो प्लगइन का नाम है, उसका नाम है वर्डफेंस। उसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट पर कुछ बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्डफेंस सर्च करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास प्लगइन आ चुका है। इसके दोनों वर्शंस अवेलेबल हैं, फ्री भी और पेड भी। तो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर बेसिक लेवल सिक्योरिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ भी ईमेल डाल देते हैं। लेट्स से यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं आप। इसको मैं नो कर देता हूँ, आई एग्री और कंटिन्यू कर देता हूँ। और इसको मैं नो थैंक्स, मैं प्रीमियम नहीं यूज़ करना चाह रहा। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके डैशबोर्ड के अंदर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इस ये बता रहा है कि डिटेक्शन इशूज़। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं यहाँ से कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई वायरस या कोई इशू तो नहीं है। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको वो सारी फाइल्स दिखा देगा जिनके अंदर इशू होगा या वायरस होगा, कुछ भी होगा। वो सारी फाइल्स आपको इस जगह पे दिखा देंगे। तो स्कैन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इस वजह से मैं स्कैन नहीं कर रहा। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं हमारे पास। तो इनको आप डिफरेंट तरह से सेटअप कर सकते हैं। आप इस पे लाइव ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं, हु इज़ लुकअप को मैनेज कर सकते हैं। हु इज़ लुकअप क्या होती है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आपको भी समझ नहीं आएगी, इस वजह से इसको हम ज़रा साइड पे रख देते हैं। बेसिक सा बता देता हूँ कि हु इज़ लुकअप पे आपकी वेबसाइट का कोई भी बंदा हु इज़ लुकअप पे जाएगा, आपकी वेबसाइट एंटर करेगा तो आपकी तमाम डिटेल्स उसके सामने शो हो जाएंगी कि ये किस बंदे ने परचेज की है, कहाँ से होस्टिंग ली है, कहाँ से डोमेन ली है। तो वो आपको वल्नरेबल बना देता है ज़्यादा, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली ऑल ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड ऑल कर देते हैं और यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स कर सकते हैं। आप क्या क्या चीज़ें शो करवाना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्टिव रखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें डीएक्टिवेट रखना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को इंडेक्स करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को आप डी इंडेक्स करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज लॉगिन जो यूआरएल है उसको आप इंडेक्स नहीं होने देंगे। आप जो है वो आपका वर्डप्रेस का लॉगिन यूआरएल है उसको आप वर्डप्रेस के अंदर, सॉरी गूगल सर्च इंजन के अंदर आप उसका कोई काम नहीं है, राइट, क्योंकि वो आपके लिए, आप एज एडमिन। तो उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे फायरवॉल के ऊपर। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को मज़ीद सिक्योर कर लेंगे। अब इन सारे ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने इनको बेसिक सा कर लेना। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, उसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर हमने अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है तो हम अपनी वेबसाइट के आगे लिखते हैं wp-admin, राइट, और हमारा लॉगिन पेज जो है वो सामने नज़र आ जाता है। लेकिन अब एक हैकर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने wp-admin लिखा, आपका जो लॉगिन पेज है वो सामने नज़र आ गया। अब वो उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक या डिफरेंट उसके अंदर गैस वगैरह करेगा। लेट्स से अगर मैं चाहूँ मैं उस कोई भी wp-admin लिखे तो मेरा लॉगिन पेज उसके सामने शो ना हो, मैं चाहता हूँ कि /कुछ और मैं लिखूँ जो कि सीक्रेट वर्ड हो जो मुझे ही पता हो, तब मेरा लॉगिन पेज खुले। तो उसको किस तरह से करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए लॉगिन सिक्योरिटी, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए, आई थिंक आई थिंक यहाँ पे होने चाहिए टूल्स।
यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से इन्होंने इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है, जिसकी वजह से जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट जगहों पे हैं। तो जनरल वर्डप्रेस हाइड वर्डप्रेस वर्शन, देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैं कौन सा वर्शन यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम थोड़ा सा टाइम लगा के देख लेते हैं। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जरा। आई थिंक इन्होंने ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक और प्लगइन कोई भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिसका नाम बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। सिंपल मैं यहाँ पे हाइड लॉगिन, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा WBS हाइड लॉगिन, हाइड लॉगिन पेज, तो सिंपल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना जो कस्टम URL बना लूँगा, जिससे जिसको सिर्फ जो सिर्फ मुझे ही पता होगा, अगर मैं उसको एंटर करूँगा तभी मैं लॉगिन पेज में जा सकूँगा, अदरवाइज मेरे अलावा कोई और वहाँ पे नहीं जा सकेगा। यहाँ पे हमारे पास ये हाइड लॉगिन पेज का ऑप्शन, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेटिंग्स के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे देखें यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और इस पे मैं लिख देता हूँ न्यू लॉगिन पेज, लेट्स से मैं कहता हूँ एहसान। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। लॉगिन पेज को भी मैं ऐड करके अगेन सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं किसी और ब्राउजर में अंदर जाके अगर मैं लिखता हूँ WP admin, तो मेरा पेज जो है लॉगिन पेज वो शो नहीं होगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पे देखें पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, मतलब लॉगिन पेज तक जो हैकर है उसकी रसाई नहीं हो रही। तो अगर जो मैंने सीक्रेट बैकएंड पे रखा है एहसान, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तभी मेरा लॉगिन पेज शो होगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से अपना जो लॉगिन पेज है वो हाइड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।